भाजप नेत्याच्या कार्यालयाची गुंडांनी केली तोडफोड, घटना सीसीटीव्हीत कैद. उल्हासनगर मध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे 3:13 वाजलेले दिसून आले. एका गुंडाने भाजप पदाधिकारी प्रकाश माकीजा यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केली, तसेच एका कार्यकर्त्याला मारहाण आणि एका महिला कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग केल्याची घटना शनिवारी घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी जगदीश लवाना याला नेवाई नाक्यावरून अटक केली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. जगदीशच्या अटकेनंतर त्याला न्यायालयात नेण्यासाठी उल्हासनगर पोलिसांकडे कोणतेही वाहन उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे पोलिसांनी जगदीशची पोलीस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यंत पायी धिंड काढल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान मारहाण आणि कार्यालयाची तोडफोड करतानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. कल शाम को 7:30 बजे की बात है, हमारे ऑफिस में इलेक्शन नोंदनी का काम चालू था, नया न्यू वोटर्स का 30 तारीख को उसका लास्ट डेट है. तो कुछ लेडीज़ कार्यकर्ता हमारी अंदर बैठी हुई थी ऑफिस में, और बाहर धीरज करके हमारा कार्यकर्ता एक बैठा था. वो आते ही उसने पहला धीरज के गाड़ी को उसने नीचे गिराया अपने एक्टिवा से, और धीरज जैसा उसको पूछने गया कि क्या है, तो उसको 2-3 थप्पड़ मारा उसने. उसके बाद वो लड़कियां जो हमारी कार्यकर्ता बैठी थी, उन्होंने देखा कि एक पीएलआई एक गुंडा टाइप आदमी अंदर ऑफिस आ रहा है, तो उन्होंने अंदर से कड़ी लगाया. तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने लगा कि दरवाज़ा खोलो. वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो उन्होंने उसने फिर जग्गू ने हाथ से ज़ोर से अपने कांच को मार के वो कांच तोड़ा, दरवाज़ा भी तोड़ा, और फिर अंदर घुसा. अंदर घुस के उसने हमारे जो कार्यकर्ता बैठी थी उनको दम दिया, गालियाँ दी, और उनके साथ छेड़खानी किया. मेरे को जैसा मालूम पड़ा, मैं सीधा 1 नंबर पुलिस स्टेशन पहुँचा. मैंने सीनियर PI राजेंद्र कदम जी से बात की, उन्होंने इमीडिएटली अपना एक टीम इधर भेजा उसको ढूंढने के लिए. उसके बाद वो खुद साइट पे आए, क्राइम PI घोड़े साहब आए, माननीय SCP साहब राठौर जी रात को 1 बजे मेरे ऑफिस पे आए. उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि ये मैटर में सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हम लोग करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर.